छत्तीसगढ़ में कोरोना से फिर एक मरीज की हुई है मौत। बिलासपुर में 15 दिन में एक और मरीज की मौत। छत्तीसगढ़ में 1458 सैंपलों की जांच हुई। बीते 24 घंटे में 47 नए मरीज आए हैं सामने। बालोद और सरगुजा में एक एक मरीज सामने आया। महासमुंद, बेमित्रा, कांकेर, कोंडा गांव, दुर्ग में दो दो मरीज मिले हैं। राजनांद गांव से भी 8 मरीज सामने आए। धमतरी में 13 और रायपुर से 14 मरीज मिले। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 3.22% हो गई है। तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो 3.22% फिलहाल प्रदेश में पहुंच गई है। तो एक की जान चली गई है कोरोना की वजह से, ये बड़ी खबर है। और ऐसे में सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। स्वास्थ्य महकमा भले ही अलर्ट हो, लेकिन ये आम जन को समझना होगा कि अब अभी भी लापरवाही बढ़ती गई तो आने वाले समय में और ज़्यादा खतरा हो सकता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। कोरोना से एक मौत ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रख दिया है। फिर डरा रहा कोरोना संक्रमण। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीज। बिलासपुर में कोरोना संक्रमण से एक की मौत। धमतरी में 1719 छात्राएं संक्रमित। अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं बिलासपुर में कोरोना संक्रमण के चलते एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है जिले के रतनपुर पौड़ी में रहने वाले 48 साल के व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिले में मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की भी जाँच कर रहा है। शुरू में एक मौत हुई थी जिसको कोमॉर्बिडिटी थी, कल भी एक मौत हुई, इसको भी सिकलिंग से ग्रसित था व्यक्ति। इसके अलावा बाकी लोग जो घर में होम आइसोलेशन में लाभ ले रहे हैं वो स्वस्थ। वहीं धमतरी में भी कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो गई है। जिले के नगरी कन्या छात्रावास में 1719 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। एक साथ इतनी छात्राओं के संक्रमित होने पर स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है छात्राओं को सर्दी खांसी की शिकायत होने पर सिविल अस्पताल ले जाया गया था, जहां सभी की एंटीजन टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम कन्या छात्रावास की दूसरी छात्राओं का भी टेस्ट करा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग लोगों को अलर्ट रहने की बात कह रहा है। कोरोना के केस बढ़े हैं अभी, इसको लेकर हमने सभी अस्पतालों को अलर्ट जारी किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, सिम्स में प्रतिदिन जाँच हो रही है। मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप तत्काल जांच कराएं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर खतरे की घंटी को बजा दिया है। कोरोना से बचने के लिए लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है। ऐसे में देखना होगा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है। वहीं संक्रमण के शुरुआती दौर में ही इसे रोकने के लिए किस तरह के जरूरी प्रयास किए जाते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।